हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु संगीता मो चैनल आपण मानक स्वागत करुच्छी। तो चलत आज भिडटे आरंभ करवा। मुझे षोल सोमवार उद्यापन केमती कली तापर गोटे भिडियो ये कि क्लीप आप देखुंट कार्तिक पूर्णिमा दिन डंगा भस और कार्तिक पूर्णिमा दिन ही मोर उद्यापन थी। जय शंभु बाबा भवला लिंग महाप्रभु, समस्त भक्त मान को करोना मुक्त कर, विपद रु रक्षा कर महाप्रभु। जय बाबा भोलेनाथ धवलेश्वर महाप्रभु, पाप हम पाप कर्मा हम पाप तमम पाप संभव त्राही मंच विरूपाक्ष सर्व पाप हरो हरि, सर्व क्लेश हरो हरि, सर्व दुख हरो हरि। ओम नमः शिवाय धवलेश्वराय नमो नमः। तो यहाँ देखुं धवलेश्वर एक क्लिप जोटा कि मो हजबैंड को सांग सुट करके पठे थे। तो मुझे आपण सेयार करेतु सोमवार उद्यापन करो, तेणु टी महादेव दर्शन भी करवा उचित। तो तेणु भिडियोटी मुझे सेयार करदे। देखा आम केमती मुझे षोल सोमवार उद्यापन कली। तो साधारणत जमी सब सोमवार मुझे पूजा कै से भाया मुझे पूजा कली सकु। आउ कार्तिक पूर्णिमा थिला तो अष्टप्रहरी जोटी होता से भी आम बुलाक जाइलु। तापर आसिकी मु पूजा आरंभ करी सकाले दीप जल सारिकी डंग बसई सारिकी आसिकी घरे मु महादेव को पूजा आरंभ कली। ता पूर्वर इटी मुझे जगन्नाथ मंदिर मौसी बाड़ी जो सेठी भी जाइलु, से भी टी दर्शन करके आसलु, जोटा कि पूरा आम घर पाखे ही अच्छे से मंदिर टी, जेहेतु मेन मंदिर जोटा जगन्नाथ मंदिर से जीवा संभव नहीं, सेठी तो गेट खोला रोनी, तेणु ये मौसमा मंदिर टी खोला रोची, ये कार्तिक पूर्णिमा हुए ये पाखे, तो सेठी आम दर्शन करके आसलु। तापर मु घर को आसला मु महादेव जो प्रोसेस रे जमी पूजा हुए से भाया मुझे पूजा कली। तो ये गोटे मु पीढ़ा नहीं कि गोटे धला कपड़ा आस्थान रूपे बिशेदी, तापर महादेव जो विग्रह देखुं भी मु गोटे पानी छिंचिकी ओदा कपड़ा करके भल भाव पोछिकी बसई नहीं, हर पार्वती भी विग्रह को मुझे रखी सांगे। तो जेहेतु महादेव का पूजा कले पूरा संपूर्ण परिवार को रखा कथा, तो गणेश भी फोटो अच्छी मुझे ये रखी ना, मुझे केवल शिव पार्वती को रखी। आ सैड्रे देखुं छोट मुरजटे करोटा कि आमर आठ पाखुड़ा पद्म। आठ सब जिन जोगाड़ कर रखी होम छोट होमटे हम। आठ गोटे नड़िया रखी नाली कपड़ा गुड़ी की रखी, आउ जहाँ जहाँ पूजा सामग्री दरकार भी मुझे रखी, कर्पूर शख आलती जो आलती दानी दुब बरकोली पत्र पानपत्र सबकि जोगाड़ करके रखदे। जेहेतु महादेव को पूजा तो शख बाजे ना कि शखटे मुखे रखी, तो आम बजेबा ना। आठ आंब पत्र बेलपत्र कोलीपत्र दुब पानपत्र फूल आछ मुरुज भी रखी, होम कला बेले से बाली उपरे मुरुज नना आसले पकेबे, नना को देवाई सीधा भी रेडी करके रखी। आ कि फल को ये धोईकी रखी, तो भी आम पूजा लगेबा। आठ दक्षिणा स्वरूप मुझे किसी टाँह भी रखी नना को देवाई, सीधे तो किसी दक्षिणा दि जाए आप एगार टंका किंबा 101 टंका भी दक्षिणा स्वरूप रखिपर कि ना गोटे एक टंका भी आप रखिपर सेमती कि नियम ना। आउ नना आसले पूजा कलापर जहाँ दक्षिणा देवा कथा नना को आप डायरेक्ट देपरवे। तो यही सब जिनस को जोगाड़ करके रखी थे नना आसिले पूजा करने को सुविधा हम। तो तेणु मुझे ठाकुर को बसईकी मुझे कलस भी बसई नेबी, तापर नना आसले से खाली होमटी करेंगे। तो फल को भी ये रखी भी आम छोड़ी धोईदे कि सब रेडी करके रखीदे। तो चलतु एवं मुझे पूजा करदेवि। तो ये जो षोलपाड़ी मुझे षोलपाड़ी मुझे षोलटी गुआ रखी, प्रत्येक पाड़ी मुझे पानपत्र किसी अरुआ चाउल देखिए मुझे गोटे गुआ बसाए। आ प्रत्येक पाड़ी एमती बसई बस षोलपाड़ी जाए षोलटी गुआ रखी। आप चाहिए 21 पाड़ी भी करें कि आप जी पाड़ी करेंगे से गुआ रखिए, यहाँ केवल मन रखापी ही यहाँ रखा जाए, कारण मझे मझे किसी मिसिंग भी हो जाए गोटे दीपाड़ी। तो तेणु गुआ रखी थे आमर
ଗଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ କେତେ ପାଳି କଲେ କ'ଣ। ଆଉ ଏଠି ଦୀପକୁ ବି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଘିଅ ରଖିଛି ହୋମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବାସନକୁ ବି ଏଠି ଧୋଇକି ରଖିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ବି ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଛି, କାରଣ ନନା ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ବନେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ଭୋଗକୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସ ବସେଇ ନେବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବା, ତାପରେ ନନା ଆସିଲେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରୂପା ଥାଳିଆଟି ରଖିଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଧାନ ରଖିଛି, ତାପରେ ମୁଁ କଳସରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇଛି ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା, ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଦୁବ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି କଳସ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଳସକୁ ମୁଁ 16 ପାଳି ହେଲାଣି ବସାଉଛି। ଖାଲି ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ମୁଁ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରେ, ଆମ୍ବ ଡାଳଟା ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ରଖିଛି, ସେ ନଡ଼ିଆ ଟିକିଏ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ପଇଡ଼ ରଖିଲିନି, କାହିଁକିନା ପଇଡ଼ ରଖିଲେ ସିଏ 16 ପାଳି ଯାଏଁ ବସେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ପଇଡ଼ଟି ଶୁଖିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ରଖିଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଛେ ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଇଡ଼ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ କଳସ ଉପରେ ନଡ଼ିଆଟି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ନାଲି ଶାଲୁ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚୁନି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବି ମୁଁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏଠି ଏବେ ତ ସିଜନ୍ରେ କିଛି ଫୁଲ ମିଳୁନି, କେବଳ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଆ ରଖିଥିଲି ଷୋଳଟି ତାକୁ ବି ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ନନା ଆସିଗଲାଣି, ନନା ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଓମ ସିନ୍ଧର ଇବ ପ୍ରଧାନ ସଘନାସ ବାତ ପ୍ରମିହ ପ୍ରତିନି ଭା ଘୃତଧାର ରୋଷଣ ବାଜି କାଷ୍ଟମାନ ଓମ କଣ୍ଣତ କଣ୍ଣତ ପର ରୋହନ୍ତି ପରୋଷ ପୁରୁଷ ସ୍ପୃହି ଏବାନ ଦୃଶତନ ଚ ନମସ୍କାର କଳସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମାତୃଗୁଣାସ୍ତଃ କୁକୌଚ ସାୟର ସପ୍ତ ସପ୍ତ ଦୀପାସମେଦିନି ଉଦରେ ଶ୍ରମିଥାନି ଚିନ୍ତୟୁତ ଆଗଛତ ଇହ ତିଷ୍ଠତ୍ରାଧିଷ୍ଠାନ କରୁ ତମ ଗୁଜଗ୍ନିତ ଆବାହନ ସସ୍ଥାପନ ସନ୍ନିଧାନ ସନ୍ନିବୋଧନ ହୃଦୟ ନମଃ ଶିରସେ ସ୍ୱାହ ଶିଖା ଉଚ୍ଚକବଚାଭ୍ୟମସ୍ତ୍ରାଭଟ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଧ୍ୟନ ମୁଦ୍ରା ଅମୃତକଣ ମହାମୁଦ୍ରା ପରିମିକଣାନି ଓଂ ଗଣନାଥ ଗଣପତି ହବାମହି ପ୍ରଭତଂ ଗୃହପତି ହବାମହି ନିଧିନାଥପତି ହବାମହି ବସ୍ୟାମ ଗଣପତି ପଞ୍ଚାବତି ସ୍ନାପୟାମି ପୁନଃ ସୁଦକ୍ଷେ ନ ପ୍ରାପୟାମି ଓଂ ଆଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ରୋଂ ଜଂ ଲଂ ବଂ ହଂ ସହ ଗଣପତି ପଞ୍ଚଦେବତା ପ୍ରଣାହ ୟ ପ୍ରଣା ଜୀବସ୍ଥିତ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ବାଙ୍ଗମନ ତତ୍ତ୍ୱାନି ଆଗତ୍ୟ ସୁଖମ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ସ୍ୱାହାଦିଂ ସୁପ୍ରକ୍ଷେପ ଓଂ ଗଣନାଥାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହି ତନନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଗଣନାଥାୟ ବିଦ୍ମହେ ଗଣପତୟେ ଧୀମହି ତନନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଓଂ ମନୀଷ ମଦବିଘ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିମଣି ବର ପାଶା ଭିତ୍ତିଭୀଷ୍ଟ ଧାନମ୍ ଧନୁଜ ବନୁଜ ଦେବୀ ସେବନୀୟା ବିମଳ କମଳ ମଧ୍ୟ ସିନେ ମିଳି ଗଣେଶ ଭୂର୍ବଶ ଗଣପତି ପଞ୍ଚଦେବତା ଭେପାଦ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମର୍ପୟାମି ପ୍ରଭୁତି ହବାମୟି ନିଧିନାମତାଧିପତି ହବାମୟି ବସମ ଗଣପତି ପଞ୍ଚଦେବତା ଧ୍ୟାନ ସଙ୍ଗମ ପାଦାସନମ ଶିରସର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱାହା
हृदयगन्धनमः मुद्दिनीपुष्पमुजल ध्रुपदीपातमल्यातस्नाति पुष्पाणि वसटः ओम वनस्रतवानाम ध्रुपयम् प्रत्रिय। आमे सबु सोमवार पूजा कले भी नना आसिक मंत्र उच्चारण करदे आमर सब पवित्र हो जाए। आम तो ये कि मंत्रपाठ जाणी ना आम जहाँ भी मंत्रपाठ करुचे कि जो स्तुति बोलुचे आम बही देखिकी पढ़ुचे कि मुखस्त करके आम पढ़ुचे कि नना तो अभ्यास सी तो सदा पूजा करेणु सी शुद्ध भाव में मंत्र उच्चारण करी पूजा करमें जमी आम जाचे आम से आम पूजा करचे तो तेणु उद्यापन दिन नना को डाकी आमर उद्यापन करवा उचित। एबे छोट होमटे हम होम सरलापर आम जो भोग रखीचे ये गोटे फल भोग काटिकी रखी तांगे मुझे रखी अटा को भाजिकी अटा चीनी आउ घी घी मु अटा को भाजी तापर कि चीनी को गुंड कर मिसेदी तो सहीटा हूँ महादेव अति प्रिय भोग आउ षोल सोमवार श्रावण मस जो आम पूजा आरंभ करती से मसरे भोगटी तांकु अति प्रिय होता है तेणु यटा को आम सब सोमवार भोग लगे था। जदि आपण षोल सोमवार जाक ये भोगटी को न करें तो प्रथम तीनो सोमवार निहाती ये भोगटी को करेंगे तापर बाकी जो सोमवार गुड़ी आप खाली फल भोग करी पूजा करें आपण जदि जहाँ पूजा कर भोग खाई दिन सारा रे आदि आपड़ चाहिए आपड़ परटा बनईकी भी खाईपर शुद्ध देसी घी परटा बनईकी आपड़ किसी फल कदमी चकुटिकी कि चा बनईकी आपड़े परटा खाईपर कि पूरी बनईकी खाईपर आप नड़िया करी क्षीर से सीझेकी खीरी भाया करेंगे पूरी खाईपर परटा खाईपर आ बहुत जन तो सोमवार उपवास कले से अरुआ डालमा खाई भी रही था पूजा करूँ आपड़ जहाँ भी भोग खाइबे जहाँ प्रसाद पाया चाहते प्रथम दिन रु ही संकल्प कराया पड़ो आपण प्रथम दिन जहाँ संकल्प करेंगे कि मुझ भोग खाई षोलपाड़ी जाक रही तो आपन को षोलपाड़ी जाक से भोग को ही खाई रहा पड़ो आपड़ एक्सट्रा किसी खाईपर ना आपड़ी आगु भावितेबे कि मरुआ डालमा खाई मुझे पूजा करी ताहले प्रथम दिन संकल्प आपदे प्रथम दिन रु ही आम संकल्प नहीं जावा आम केमती पूजा करवा आई आपण पूजा कले से दिन बिल्कुल भी भोक लगे कारण आमर मनटी पूरा पूजा थाए दिन सारा आप रोषवास कम व्यस्त रे पा छुआ कम व्यस्त रेपर जी समय मिल ठाकुर बही कि पाठ करेंगे ताहले आपण को बिल्कुल भोक भी लगभनि पूजा आपण कर दिन सारा थका भी लगभनि टाइम केमती पार हो कि जना भी पड़बन दिन सारा उपवास करी संध्याबेले धूप दीप देखी जहाँ भी महादेव बही अच्छी से षोल सोमवार बही मिलूची ताको भी आपण पढ़िकी पूजा टी आरंभ करें। नना आरंभ कर होम तो आम घरे छोट होम एमती कुंड गोटे रखिकी आम होम करी होम कुंड ना तो किसी बाली को तले थोकि आम होमटे करमटे आम निजे तो केवे करना कहीं ब्राह्मण आसिकी मंत्रपाठ करी होमटी कले आमको अधिक पुण्यफल मिलता है आम एत मंत्रपाठ जाणिना आम जदि भी होम करवा तो आम मनटी शांति लगे ना कारण आम एतटा मंत्र भल भाव जाणी ना तो तेणु नना को डाकी आपण उद्यापन टी करेंगे जेकोसी भी पूजा कर प्रथम रु आप निजे आरंभ करें कि नना को डाकी भी प्रथम दिन आरंभ करें तो मुझे प्रथम दिन मंदिर में भोग लगे आसती आठ नना मंदिर में भोग लगे मो ना मुझ सोमवार आरंभ करी तो नना कही जदि कोरोना टाइम सर नाथे घर जाइकी मु होम करें कि न करें तो मंदिर में देदेले मुझे मंदिर में होमटी करदेवि तो मंदिर में तो ये एलाउ ना तेणु नना को आम घर को डाकी होम कलु एवं तो कोरोना कमीगला एतटा ना एपटे तो तथापि आम रिक्स कहीं ना मंदिर जाइकी तो तेणु आम घर नना को डाकी घर होमटी कले भी घर आम शुद्धि होता है होम जो नि बाहर से निरे आमर घर पवित्र होता है आखपाखर जीवाणु सब मर जाती आमको किसी पॉजिटिव एनर्जी मिलता है तो ये पूजा सरगला नाना हाथ में सीधा टेकी दौर
तो एबे हमरा पूजा सर जाई मो नाना को दक्षिणा और किसी भोग दे कि विदा कर देबे आकी तक आम घर जी प्रसाद पाया कथा कि आखपाख साई पड़सा को किसी प्रसाद रूपे आम बांटिदबा तापर ये प्रसाद को घरे समस्ते पाइक आमर पूजाटी को संपूर्ण करवा। तो यहीपर भाव में मोर षोल सोमवार उद्यापन कली यहाँ मु श्रावण मसर आरंभ करी मोर पूरा कार्तिक पूर्णिमा दिन ही शेष है। आ मो भिडी जब आपण मानक भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आगक मुसबी आउ गोटे नुआ भिड संगे रही। जय जगन्नाथ।